बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के खाते में अलग अलग किश्तों की धनराशि भेजी है। इसके साथ ही 5100 जरूरतमंदों के आवास का सपना जो है पूरा हुआ है, तो पात्रों के चेहरे खुले उठे हैं। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने लाभार्थियों के खाते में 51,52,00,000 रुपए भेजे हैं। मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 250 लाभार्थियों के खाते में 50,000 रुपए की पहली किश्त के रूप में 1,25,00,000 रुपए भेज चुके हैं। इसी तरह से 2,602 लाभार्थियों के खाते में दूसरी किश्त के रूप में 39,03,00,000 रुपए भेजे गए हैं। प्रत्येक लाभार्थियों को 1,50,000 रुपए भेज दिए गए हैं। 50,000 रुपए की तीसरी और अंतिम किश्त के रूप में 2,248 लाभार्थियों के खाते में 11,24,00,000 रुपए भेजे गए हैं। माधोपुर से श्रीमती राजमती देवी, वाइफ ऑफ विष्णु प्रसाद जी, बनकटवा से श्रीमती कांति जी, वाइफ ऑफ सुदामा जी, पुराना रुपए की राशि अभी एक क्लिक से उनके खाते में पैसा दिया गया है, जिसमें 250 लाभार्थी 50,000 रुपए की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त किए हैं। 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति यानी 250 लोगों को 50,000 रुपया मिला है। 2,200 लोगों को 1,50,000 रुपए की दूसरी किस्त दी गई है, यानी प्रत्येक 2,200 लोगों को प्रत्येक में 1,50,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और 3,350 जो लाभार्थी हैं उनको तृतीय किस्त के रूप में 50,000 रुपए प्रति लाभार्थी की किस्त आज दी गई है। घर में पानी उपलब्ध हो, घर में रसोई गैस का सिलेंडर हो, घर में राशन कार्ड भी हो। भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने इतनी सारी योजनाओं को और 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हो, किसी एक सरकार ने इतनी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया है तो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। पर वे लोग अपने घरों में रह रहे हैं, इसीलिए सबको पीड़ा हो रही है, इसीलिए इतने लोग एक झुंड बना के आ रहे हैं मेरे मोदी जी को हराने। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी दोबारा पूज्य महाराज जी के डबल इंजन सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर दावा ठोक के जीत रहे को जोरदार ताली हमारे डबल इंजन की सरकार और मोदी जी के।